हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 18 से आपको कवर करना है एक्सरसाइज 12। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 18 एट वन रेट परसेंट पर एनम बी रुपीज 3600 अमाउंट टू रुपीज 4734 इज 3 होल 1/2 यूर्स। ठीक है, ये आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपको रेट फाइंड करना है। बाकी आपको यहाँ पे जो है पी गिवन है, ये अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या आप यहाँ एस आई फाइंड कर लीजिए। एस आई आपको गिवन नहीं है, तो एस आई आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो एस आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस आई स्क्वायर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट गिवन है कितना, अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 4734 माइनस प्रिंसिपल दिया गया है 3600। ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना, रुपीज 1134। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एस आई आ गया। अब एस आई वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए, एस आई इक्वल टू होता क्या, पी आर टी अपॉन 100, पी है 3600 इंटू रेट आपको पूछा है, टाइम यहाँ पे गिवन है 7/2 इंटू 100, जीरो कैंसिल हो जाएगा। और फिर एस आई इक्वल टू यहाँ पे गिवन 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे ये आ गया क्या, 18 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब एस आई इक्वल टू गिवन कितना, एस आई यहाँ पे गिवन है 1134 इक्वल टू 18 इंटू आर इंटू 7, यही बचा है। अब 18 सेवन का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा 1134 अपॉन 18 इंटू 7 इधर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब इसको जो है सॉल्व करोगे देयरफॉर यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर टू वो आएगी क्या, 9%। ठीक है, इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा, 19 में भी जो है इसमें कह रहा है कि रुपीज़ 640 अमाउंट टू रुपीज़ 768 इन 2 ईयर्स, 640 रुपये जो है वो 2 साल 6 महीने में बढ़ करके कितने हो जाते हैं, 768 हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप इसका पहले क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे इसका एस आई फाइंड कर लीजिए। ठीक है, 19 का आप यहाँ पर भी इसका एस आई छोड़ दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट 678 है और माइनस प्रिंसिपल कितना है 640, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करो तो यहाँ पर कितना, ₹128 क्या आ गया, एस आई हो गया। ठीक है, अब एस आई जैसे ही और सेम था वैसे यहाँ पर भी है, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पी, पी है यहाँ पे 640 इंटू रेट आपको फाइंड नहीं है और टाइम दिया है 5/2 इंटू 100, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अभी 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे कितना 32। ठीक है, और 32 और 10 ये रुको, यहाँ पे आप इस वजह से एस आई कितना दिया, 128 इज इक्वल टू 32 इंटू आर इंटू 5/10 ये है, और 10 का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ये काट देते हैं 5 से, 5 2 10 2 से यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं, आ गया क्या 16। देयरफॉर 128 अपॉन हो जाएगा क्या 16 इसको तो क्या आर, आर इसको टू वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16 8 4। ठीक है, आर इसको टू कितना आ गया 8%। अब इसी में क्वेश्चन और दिया गया है, कह रहा है कि व्हाट विल बी ये 50 अमाउंट, ये 50 उसका अमाउंट क्या होगा, इसी रेट से 3 ईयर में 850 रुपये का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे एस आई निकालिए। ठीक है, एस आई फॉर कितना है, एस आई फॉर रुपीज जो है 850, एस आई फॉर रुपीज 850 क्या है, एस आई इक्वल टू हो जाएगा पी, पी कितना है 850 इंटू डेट 8 इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे आपका 3 ईयर अपन 100, 0 से 0 कैंसिल, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना इसमें, और 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा यहाँ पे कितना 17 और फिर यहाँ पे आएगा 2 से 4 जा तो यह आएगा यहाँ पे कितना, अब 17 इंटू 4 इंटू 3 तो यहाँ पे आएगा कितना, आएगा यहाँ पे 204, ये आ गया यहाँ पे क्या एस आई आ गया। तो यहाँ पे आपका जो पूछा अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना एज पर क्या आएगा, पी प्लस एस आई, पी था कितना 850 और एस आई कितना आया 204, दोनों का यहाँ पे ऐड कर दिए छोट कितना आएगा ₹1050। ये आपका आंसर आ गया 19 हो गया। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें क्या कहा है कि इसमें इन व्हाट टाइम, अब यहाँ टाइम दिया गया है, फी दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, परसेंट दिया गया, टाइम पूछा गया, तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे इसका जो है एस आई फाइंड करियोगे,
एस आई टोटल क्या आया है, अमाउंट माइनस थ्री, इस पर अमाउंट दिया गया 6720, इस पर है 5600, तो एस आई यहाँ पे कितना आ जाएगा, देर पर इसका एस आई यहाँ पे आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 20 1120, ये सही आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एट टाइम, तो अब एस आई आपको हो गया 1120, इस पर पी कितना आया 5600 इंटू रेट, रेट यहाँ पे डिवेन है 20 का, 8% इंटू टाइम आपको फाइंड करना है अपान 100, 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा ये 1120 अपान 56 × 8 इसको टू किया जाएगा यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप इसमें जो जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसमें से देखिए आप इसमें, अब यहाँ पे इसमें जो है इसको कर देते हैं, इसके जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टी इच पर जो टी की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको आएगा आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे कितना, आप इसको देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें एट से डिजिबल है यहाँ पे, एट से डिजिबल करोगे यहाँ पे तो आपका ये जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 140 आएगा, 140 में आप 56 डिवाइड करिए यहाँ पे, 14 × 4 = 14, 10 = 10, ठीक है, 10 × 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 5/2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 mod 1/2, इतना क्या होगा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, 21 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या रहा है, अशम ऑफ मनी बिकम्स मेड बाई 5 of itself, वहाँ पे P है वो अमाउंट जो हो रहा है बढ़ करके वो क्या हो जा रहा है, उसी गाइड अपॉन 5 हो जा रहा है, जितना था उसी गाइड अपॉन 5, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे सम, अगर हम यहाँ पे लेट सम करते हैं, लेट द सम बी x, अगर सम यहाँ पे x है तो अमाउंट कितना, ये कितना हो जाएगा, कह रहा है उसी गाइड अपॉन 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 8x/5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एसआई निकाल लीजिए, इसका एस आई छोट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन 8x/5 − x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहाँ पे क्या 3x/5, ये एस आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एस आई आता है तो एस आई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एस आई इज इक्वल टू पी, पी कितना है यस रेट, रेट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे फाइंड करना है इनटू टाइम है 5 ईयर, कितना है 5 ईयर अपॉन 100, 5 से 8 डिवाइड मिला जाएगा कितना 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3x × 20/5 × x, 5 × 4 = 20, एक्स से एक्स कैंसिल, इसको टू यहाँ पे क्या था देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आएगा 4 × 3 = 12%, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है यहाँ पे 3000 है, 3000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कह रहा है कि वहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आपको 4 ईयर के लिए 8% के रेट से इसी पे इंटरेस्ट जो होगा वह है दूसरे पार्ट के 2 ईयर 9% के रेट से जो है एस आई के इक्वल होगा, तो हम निकालते हैं यहाँ पहले इसका कितना है 3000, तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट अगर ये सिलेक्ट करें तो दूसरा पार्ट कितना होगा, लेट फर्स्ट पार्ट बी यस, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 3000 − x, ये हो जाएगा, तो हम निकालते हैं एस आई फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए एस आई कितना हो जाएगा, तो एस आई इसको हो जाएगा पी, पी यहाँ पे यक्स माने थे इंटू रेट, रेट कितना है उसका, रेट वहाँ पे है आपका 8% टाइम है 4 ईयर अपॉन 100, ये हो जाएगा, ठीक है एस आई, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रह लीजिए, यहाँ पे 8 × 4 = 32 x/100, ये आपका एस आई आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब आप निकालो एस आई फॉर सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3000 − x, ये पी हो गया इंटू रेट, रेट कितना है यहाँ पे 9 और टाइम है 2/100, ठीक है, ये आ गया आपका 3000 − x × 18/100। अब कह रहा है ये जो फर्स्ट पार्ट का एस आई वो सेकेंड पार्ट का एस आई के इक्वल, मतलब ये इतना इसके इक्वल,
तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32x/100 इक्वल टू 3000 - x (18/100। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल, बीच में इक्वल 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 18 जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देर फोर हो जाएगा यहाँ पे, आप इसमें जो है ये 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देर फोर हो जाएगा 32x = 18 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 54000 - 18x जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 32x + 18x = आ गया क्या 50x = हो जाएगा यहाँ क्या 54000 देन x = 54000/50 कैंसिल हो गया यहाँ पे। फिर 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 5 5 5 अभी 5 8 4 तो 1080 x = कितना आ गया 1080। तो फर्स्ट पार्ट आपका 1080 आ गया, तो सेकंड पार्ट आपका कितना आएगा 3000 - 1080, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दीजिए, आपके यहाँ पे क्या सेकंड पार्ट आ जाएगा। समझ आया, इस तरह से आपका यहाँ पे ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी खत्म। इसी तरह आपका 25 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसे आप सॉल्व करिएगा और आपका एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, काफी कंप्लीट करिएगा। ओके।